हेलो स्टूडेंट, दिस इज एन एम को और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू व्हाट डज मीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो बार बार ये शब्द आपके कान में गूंजेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, आप अक्सर मूवी देखते होंगे और जब डायरेक्टर के पास मूवी का नाम नहीं होता है तो वो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर इस तरह का नाम रखता है। ठीक उसी तरह से अकाउंटेंसी में जो हम लोग स्टैंडर्ड 11 में फाइनल अकाउंट पढ़े थे वहां पर हमने एक अकाउंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका पहला लाइन होगा व्हेन समबडी आस्क्स फ्रॉम यू व्हाट डज मीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यू विल गिव द आंसर दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई हैव रिटेन मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एन अकाउंट विच इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरों के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई हैव ऑल्सो मेंशन फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर वन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बार बार यूज करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, दैट मीन्स यू विल अंडरस्टैंड आई मीन अकॉर्डिंग टू मी एंड आई यूज टू से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एवरी टाइम वी आर यूज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। Now, some features of profit and loss appropriation account. Number one, it is an extension of profit and loss account. ये जो PL appropriation account होता है ना student, my dear student, ये profit and loss account का extension है। Standard 11 में आपने पढ़ा था profit and loss account, और उसका जो output होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आउटपुट होता है या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को यहां स्टैंडर्ड 12 में हम पार्टनरों के बीच में बांटते हैं, उसके लिए जो अकाउंट यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसका सबसे पहला फीचर है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, सबसे पहला फीचर है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सटेंशन है, दैट मीन्स पीएल अकाउंट और दिस इज द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू, पीएल अकाउंट का ये टू है। नंबर टू, इट इज प्रिपेयर बाय पार्टनरशिप फॉर। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन की बात होती है स्टूडेंट, ये पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं,
इसका प्रिपरेशन किसके द्वारा होता है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा होता है। नंबर थर्ड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एज वी नो, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो जितने भी टर्म का हम यूज करते हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, नंबर थ्री। नेक्स्ट नंबर फोर, इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। पीएल एप्रोप्रिएशन यह दिखाता है कि कैसे पार्टनरों के बीच जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बांटते हैं। And number five, entries in this account are made giving effect to the partnership deed. यहां जो भी एंट्री होती है वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये पार्टनरशिप डीड होता क्या है? तो पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये गीता के समान है। जिस तरह से हम लोग गीता, कुरान, महाभारत के अनुसार हम लोग रस्म रिवाज को निभाते हैं, ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप फॉर्म में ये जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, उसमें सारे नियम कानून लिखे रहते हैं। फॉर्म का नाम क्या होगा, कितने पार्टनर होंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में बांटेंगे, कोई पार्टनर अगर फर्म में काम करना चाहता है तो उसकी सैलरी क्या होगी, कमीशन क्या होगी। पार्टनरों के बीच जो रिलेशन है वो सारी बातें पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एक बायलॉज है पार्टनरशिप फॉर्म का। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पर हमसे पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सिंपली यू हैव टू से पार्टनरों के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को हम बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। थैंक यू।